से आएगा यहां पे क्लिक करने से आता है, और यहां पे हम उसको हटा दो सर, यहां पे हम आईडी डालेंगे, जो आईडी आप लोग देना चाहोगे बताओ, कोई भी अपनी आईडी बता दो आपका है, किसी फ्रेशर का बताने दो, बताओ 1A A2 A2 FF5 5 पासवर्ड, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है 2008 2008 ठीक है। देखो आप, आपने यहां पे डायरेक्ट सेलर पे लॉगिन करना है, अगर आप हमारी कंपनी के यूजर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, तो यहां पे यूज करेंगे। कोई स्टैंड अप ओनर है तो वो स्टैंड अप में करता है, और कोई कस्टमर है जो जुड़ा ही नहीं है लेकिन उसका बिल बना के देना है तो वहां पे, ठीक, नेवर कर दो इसको। तो सबसे पहले ये पॉपअप मैसेज आ रहा है, इसको समझते हैं सबसे पहले ये क्या चीज है। जो भी व्यक्ति ब्रॉन्ज बन जाता है, ब्रॉन्ज बनने के बाद हर महीने 5 SP की रिपर्चेज करनी होती है, ठीक है। तो रिपर्चेज प्लान के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारा लास्ट डेट रिपर्चेज का कौन सा है, 28/12/2024 है। इस यहां तक अगर रिपर्चेज नहीं किया तो ये 5 SP बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 SP हो जाएगा। तो 28 तारीख से पहले पहले यहाँ पे रिपर्चेज करना है, और ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ओके कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर नहीं करेंगे तो हमारा पे आउट रिलीज नहीं होगा, यानी कि अगर आपने चेक भी मेंटेन किया है, आपका चेक बना है, तो वो आएगा नहीं। जिस दिन आप कर लोगे उस दिन आपका उसके अगले बृहस्पतिवार को रिलीज हो जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है। यहां पे नाम, कंपनी के नाम के बाद यूजर का नाम आ रहा है, ऑनलाइन स्टेटस है, और यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका पर्सनल कैबिन खुल गया। अभी तक मैंने आपको आपके ऑफिस के बारे में बताया क्या क्या ऑफिस में कौन कौन से विभाग हैं, अभी आपका पर्सनल कैबिन है। अब यहां से आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हो, अपने बिजनेस को चलाते हो, राइट। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, और उसके बाद बाकी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना सर, थोड़ा सा होता है। तो सबसे पहले किसी भी आईडी को खोलने के बाद हमें सबसे पहले तो नीचे थोड़ा सा नीचे स्टेटस चेक करना होता है कि स्टेटस क्या है। स्टेटस में अगर एक्टिव है तो इसका मतलब आईडी ग्रीन है, और अगर डीएक्टिवेट लिखा हुआ है तो आईडी रेड है। बहुत सारे लोग ग्रीन और रेड ढूंढते हैं आज, लेकिन अब वो नहीं आता, अब क्या यहाँ पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट लिखा हुआ आता है। तो अगर आपकी आईडी खोलने के बाद आपकी टीम में कोई भी आप आईडी खोलते हो और डीएक्टिवेट लिखा रेड, मींस वो आईडी अभी ग्रीन नहीं हुई है, उसका उसमें अभी सेल सेव नहीं हुआ है। दूसरा, यहां पे क्लिक करो सर, केवाईसी स्टेटस, ये देखना बहुत जरूरी है। ये देख लोगे, ये चीज ट्रैक करना अगर आपको आ जाएगा तो आप अपनी टीम की बहुत मदद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है, ये बिना अप्रूव हुए ये केवाईसी एक्टिव होता, मतलब आईडी ग्रीन नहीं होता। अगर आप कोई रेड आईडी भी खोलोगे ना, अगर यहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो आपका आईडी ग्रीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बैंक केवाईसी स्टेटस, बैंक केवाईसी स्टेटस भी अप्रूव है। इसका मतलब सारे जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पैन कार्ड और बैंक का डिटेल्स, सारा कुछ सक्सेसफुली मैच कर रहा है यहां पे। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं फिजिकल केवाईसी पे। फिजिकल केवाईसी पे अगर आ जाते हैं, क्लिक कर, अच्छा फिजिकल केवाईसी में आते हैं तो यहां पे वही बैंकिंग से संबंधित चीजें हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप जैसे डैशबोर्ड में जब जाते हैं, सबसे पहले आपका आता है करंट बिजनेस, इस वीक का बिजनेस क्या है, ठीक है। वो सब अभी आएगा, 123@ICM स्मॉल में, 123@ICM ओके। चलिए यहां पे देखते हैं, SEO टीम SP 208, यानी कि मैम के SEO टीम से 208 SP कलेक्ट हो चुकी हैं यहां पे, और SEO टीम से 110 SP कलेक्ट हो चुकी हैं
जैसे कि हमें समझ में आता है पहला रैंक करने के लिए क्या चाहिए, पहला रैंक करने के लिए हमें पहला रैंक करने के लिए 200 अनुपात 100 एसपी करनी होती है। तो ये रैंक हो गया यहाँ पे, यहां से पता लग गया। ठीक है, और भी चीजें मैं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। कितनी आइडिया लगी है टोटल आज तक, एसओ टीम में 6 और एसओ टीम में 3 टोटल, भले उसमें रेड भी हो ग्रीन भी हो सब। यहाँ पे आ जाता है ग्रीन कितनी है रेड कितनी है, इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है एसओ एसओ में। करंट इस हफ्ते जो भी काम फ्राइडे बृहस्पतिवार से अगले बृहस्पतिवार का होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप कब देखते हो पता है, जब कोई आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप फ्रेंचाइजी में जाओगे 1 एसपी 2 एसपी 3 एसपी का बिल चढ़ाओगे तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, वो उस पर्टिकुलर आईडी में जाके देखना पड़ता है, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। यहाँ पे रिपर्चेज आती है, रिपर्चेज ये पूरी टीम की रिपर्चेज आती है करंट एसजीओ एसजीओ, और यहाँ टोटल इनकम अभी आपकी दिखा रही है। अभी आपका टोटल इनकम का जो कमीशन बना है वो आपका दिखा रहा है, और अभी एक ही कमीशन बना हुआ है। ठीक है, बोनस इनकम अभी आनी बाकी है। आपका रैंक ब्रॉन्ज है, अगले लेवल के लिए 6 अनुपात 3 काम करना है, और अभी स्टेटस जो है बोनांजा का वो पेंडिंग है, क्योंकि बोनांजा आज ही से स्टार्ट हुआ है, अब यहां दिखाएगा। ठीक, तो हमने ये डैशबोर्ड समझ लिया। ये डैशबोर्ड एक बार देखने से किसी भी व्यक्ति की, जैसे बाबा लोग कुंडली देख के बता देते हैं ना जी, तो ये कुंडली है हमारी बिजनेस की। ठीक है, इसको देख के हमारे अपलाइन हमें डायरेक्शन देते हैं, और आप लोग कल के दिन अपनी टीम को डायरेक्शन दे सकते हो कि क्या करना है। अब सबसे पहले इसके बाद प्रोफाइल बताऊं सर, प्रोफाइल में या माई प्रोफाइल में हम जाएंगे, तो माई प्रोफाइल में यहां पे हमारी डिटेल्स हैं, हमारे बारे में सारा जो भी हमारा डाटा है, हमारा नाम एड्रेस, हमारे जो भी नॉमिनी का नाम है वो सारा यहां पे दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे नेम है यहां पे, वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, फीमेल है, एड्रेस आप यहां पे भर लोगे तो भरने के बाद क्या होगा, आपके आई कार्ड में वो एड्रेस लिखा हुआ आएगा। अभी आई कार्ड डाउनलोड करना सिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ भर लिया, और आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। ये मैंडेटरी है कि आप ही का होना चाहिए, कल के दिन अगर आपको अपनी आईडी में कोई भी करेक्शन कराना है इसी मेल और इसी मोबाइल नंबर का यूज होगा वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे आपका नॉमिनी कौन है और आपकी बैंकिंग डिटेल यहाँ पे दिखाई जा रही है, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर। ठीक, इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो दोस्तों पैन आई कार्ड हमारा आता है। तो सभी लोग ने हमारी डायरेक्ट सेलिंग का पहला नियम क्या है कि हम बिना आई कार्ड के कहीं जा नहीं सकते। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा आई कार्ड होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, हमारा आई कार्ड होना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमारे ऊपर किसी के घर में अगर हम घुसते हैं तो हमारे को कोई प्रूफ नहीं कि हम किस विभाग से हैं। और आजकल जो भी जितनी भी फेक एक्टिविटी हो रही है, जितना भी स्कैम हो रहा है, आपको पता ही कैसे हो रहा है। तो ये हमारे को कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है, और यहाँ पे कंपनी ने सारा डिटेल दिया हुआ है, ऑथराइज सिग्नेचर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आईडी प्रूफ होना निहायत जरूरी है। यहां से आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट कर लोगे डाउनलोड हो जाएगा, इसको कलर में प्रिंट करा के फ्रेम में डलवा के गले में लटका के आप जा सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि फोटो आपने डालनी है, जैसे आई कार्ड में फोटो चाहिए आपको तो फोटो यहां से अपलोड होती है, यहां से। ठीक है, 50 KB से नीचे की होनी चाहिए, यहां आप जाओगे 50 KB से नीचे की फोटो होनी चाहिए, उसको पासपोर्ट साइज में कट करके ब्राउज करके आप अपलोड कर दो। अभी होगा नहीं सर, ठीक, जनरली समझा देता हूं। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट के व्यू केवाईसी, व्यू केवाईसी तब काम आता है जब आप किसी व्यक्ति का देखो कि केवाईसी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो आप यहां से चेक कर सकते हो कि व्यू केवाईसी में चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जेनोलॉजी, ये टैब बहुत जरूरी है दोस्तों। जेनोलॉजी में क्या होता है कि हम सेल्स टीम, जो पहला टैब यहाँ पे आ रहा है, इसमें जाके हम अपने पूरे नेटवर्क को देख सकते हैं, पूरे टीम को देख सकते हैं वन बाय वन। यहां से भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐप में जाके करोगे इस चीज को तो ऐप में और आसान हो है ये। ठीक है, फटाफट खुलता है। अब ये हरे लाल पीले क्या है, ये समझ में आ रहा है किसी को, इसके ऊपर से इसको क्लिक करना। तो यहां पे मैं समझाऊंगा, जैसे ग्रीन है हरे में तो इसका मतलब है 100 एसपी से एक्टिवेट है, अगर कोई येलो है तो ये है 52 एसपी से, और कोई ब्राउन कलर का आएगा तो वो होगा 27 एसपी से। कलर दे दिए कंपनी ने कि हम कलर देख के पहचान लें कि यार ये कितने कितने एसपी से आइडिया ग्रीन है।
और इसमें अगर आप नीचे नीचे क्लिक करते जाओगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपका नेटवर्क खुलता चला जाएगा, दिखता चला जाएगा कि आपके नीचे कौन कौन है, आप पूरा देख सकते हो। तो पहले के टाइम पे डाउट आता था, जो पहले के नेटवर्कर मिलते हैं वो बोलते हैं सर हमारी पिछली कंपनी में अपलाइन ने पूरे का नेटवर्क इधर से उधर कर दिया, हमारे नीचे एको भी नहीं लगाया, हम इतने लोगों की आइडिया भेजते रहे हमारे नीचे आइडिया ही नहीं लगी। तो इसलिए नहीं लगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हम देख नहीं पाते थे, मोबाइल का जमाना नहीं था आज से 10 साल पहले। लेकिन अब तो सब लोग मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं तो आप लोग अपना नेटवर्क देख सकते हो कि मेरे टीम में आइडिया किसके नीचे कौन सी लगी है। और इसके थ्रू क्या समझ में आएगा, मान लो आपने अभी आपको कोई आधार कार्ड देता है तो आप कहां लगाओगे, आपके दो ही लगे एसओ और एसजीओ, तो सबसे नीचे यहां जो डेप्थ में आईडी होगी इसके भी नीचे, यहां से पता लग जाता है वैसे तो, यहां पे क्लिक करते हैं एसओ में कितनी आईडी और है यहां पे के बाद, तो उससे आपको पता रह सकता है कि लास्ट में ये आईडी इसके नीचे लगाने हैं। ठीक है गुरुजी, उसके ऊपर क्लिक कर दो और अच्छी डिटेल दिख जाएगी, थोड़ा जूम करके ये देखो ये सारी डिटेल दिख रही है, डीएस कोड, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, कितने बज के कितने मिनट पे पेआउट आईडी ग्रीन हुई थी, ठीक है, स्पॉन्सर आईडी क्या है, एसओ में कितनी आईडी लगी है, एसओ में कितनी एक्टिवेट है 27 एचपी से, मैंने कहा था ना ब्राउन का मतलब 27 एचपी से एक्टिवेट है, ये चीजें हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अब जेनोलॉजी में जाके देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे है, बाकी तो आप लोगों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, डीएस कोड है ये अभी यूज होते नहीं फिलहाल जी, वो भी अब अलग तरीके से काम करता है, अगर वो सिखाएंगे ना तो ये भटक जाएंगे, आईडी नहीं लगा पाएंगे इसी तरीके से, वो अगर एसजीओ किसी का बिगर चल रहा है ना वहां की भी दिखा देते हैं। ठीक, अब आते हैं अकाउंट में, यहां से आपका पे आउट, जब हमें अपना पे आउट दिखाना होता है किसी को कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, तो यहां से सेल्स परफॉर्मेंस ग्रोथ कमीशन, यहां से आप देख सकते हो कि इस आईडी पे पैसा आया। अब आप कब से कब तक देखना है, मान लो यहां पे 2023 कर देते हैं हम, तीन कर देते हैं इसको, यहां पे 2023 कर दिया और यहां पे शो कर देंगे अगर हम इसको, तो जब 24 ही जाएगा, बैक स्पेस करके तीन लिख दो सर, उससे जल्दी हो जाएगा, कर्सर हट गया, शो करके तो जो इनका पेआउट आया है ना इस आईडी पे वो दिख जाएगा। अब आप दिखा सकते हो कि देखो ऐसे एनईएफटी होती है, ऐसे ट्रांजेक्शन आई है, अब मुझे पता लग गया कि देखो इनकी दो ट्रांजेक्शन आई है, ठीक है, यहां पे दिख रहा है देखो पूरा, ये देखो एक 990 की पेमेंट आई है यानी कि 1000 रुपए का कमीशन बना हुआ है, और एक ये बना हुआ है कमीशन, दो कमीशन इनके, और अभी तक एक अनपेड है, अनपेड क्यों है, कल बना था ओके आज आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है समझ में आया, आप लोगों को पता लग रहा है ना अपना पे आउट कैसे देख सकते हैं, ऐसा तो बोरिंग तो नहीं हो रहा सब्जेक्ट, नहीं सर, चलो ओके। उसके बाद दोस्तों यहां पे आ जाते हैं, यहां पे और भी कमीशंस हैं, ये कमीशंस फिलहाल जैसे रेगुलर सेल्स कमीशन है और मोरांजा है इसमें दिखाई नहीं देंगे, रिपर्चेज कमीशन है वो इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यानी कि आपका रिपर्चेज का भी पैसा आता है करके वो दिख जाएगा यहां पे, कल के दिन जब अकाउंट में जाके खगा लोगे ना सब कुछ मिलेगा यहां पे, ठीक है, जो आप रिपर्चेज कर रहे हो, टीम रिपर्चेज कर रही है उसका पैसा भी आके अलग से दिखता है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी है स्टेप पेंडेंसी, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपके साथ जो लोग हैं और आपके खुद की आईडी का आपको स्टेप पेंडेंसी पता होना चाहिए, यानी कि यहां पे क्या है देखो दोस्तों, मुझे थोड़ा जूम करके साफ दिखेगा इनको, थोड़ा नीचे को देखो, सबसे लास्ट में आप लोगों को ज्यादा पजल नहीं करूंगा मैं यहां पे, इस तरह देखो ये पहला रैंक दूसरा रैंक लिखा हुआ है यहां पे, ये पहला रैंक दूसरा तीसरा, यहां पे से 1 से लेकर 18 रैंक पूरे बने हुए हैं, यहां से आप सामने सीधा देख सकते हो कि आपका पहला रैंक कंप्लीट हो गया, तो वो इस तरह से दिखाएगा 0-0 हो गया और यहां कंप्लीट लिखा हुआ आएगा देखो, और अगले रैंक के लिए कितना पेंडिंग बचा है, पॉइंट में भी 65 बचा है, तो पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये देता है, यानी कि मैम को अगर सिल्वर बनना है तो 592 एसपी एसओ से और 289 एसपी आपको एसजीओ से निकालनी है तो आप उस दिन सिल्वर
बन जाएंगे। और ये डेटा अगर आपके टीम का आपके पास होगा ना, तो आप अपने टीम के व्यक्ति की काउंसलिंग करा सकते हो क्लाइंट से, सर इतना सा इनका बचा हुआ है, इनका रैंक करवाना है, ठीक है, इससे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं ट्रिप बोनांजा। ये बहुत जरूरी है इस समय फिलहाल। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है बोनांजा टारगेट आ चुका है। कहां का है? शिमला। कौन कौन जाने वाला है शिमला? चलो अगर आपने, अब देखो ये एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग बोनांजा 29 नवंबर 2024 से 12 मार्च 2025 तक का दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक जब से ये लॉन्च हुआ है कल रात से, एसईओ टीम और एसडीओ टीम में कोई भी परचेजिंग नहीं हुई है। एक एसपी का भी अगर प्रोडक्ट खरीद लोगे ना आप, तो ये शो होने लग जाता है। दोनों तरफ होना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, देखो सबसे पहले आपका रैंक आएगा, डेजिग्नेशन लिखा हुआ फ्रेशर। रिक्वायर एसईओ सेल्स कितनी चाहिए थी? 1200 एसपी, अभी भी 1200 चाहिए आपको। एसडीओ का 1200 एसपी, और कितनी यहां से निकली थी? एसईओ से पेंडिंग कितनी है? 992, और एसडीओ से पेंडिंग कितनी है? 1089, ठीक है। तो यहां पे आपका पेंडिंग, अगर ये अगर आपको अभी का बोनांजा अचीव करना है, तो आपको इस चीज को 00 करना पड़ेगा यहां पे। और ये 00 कैसे होगा? जब इतने पॉइंट आप कंपनी को दे दोगे और वहां से पेमेंट अपना बना लोगे। ऐसे यहां पे सेल्फ का भी है और प्लस स्पाउस का भी है और प्लस बच्चे का भी है यहां पे, ठीक। ये सारे तीन पेंडिंग दिखा रहे हैं, हर तरह का आपको देखो, 1200, 2400 और 3600। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना सन्नाटा हो गया ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोले जा रहा हूं। एक तो चलो, उसके बाद दोस्तों ये आ गया ऑर्डर फॉर्म। कितने लोगों को ऑर्डर लगाना आता है? अब ये मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये ऑर्डर लगाना दोस्तों बहुत जरूरी है। जैसे कि गुरुजी ने अभी बताई देहरादून की जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम, कि यहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट खरीदते हो, एसपी लिखवा लेते हो, और वो एसपी कहीं गायब हो जाती है। वो मुझे नहीं पता कहाँ गायब होती है। फिर आपके मन में एक सवाल आता है कि अपलाइन खा गया या सेल पॉइंट वाला खा गया। तो इस शंका और समाधान, देखो अपना घर का तिजोरी लॉक करके नहीं रखोगे तो कोई तो नजर मारेगा, तो हमने क्या करना है? कितने ताले लगते हैं हमारे घरों में? उसी तरीके से हमने क्या करना है, अपनी आईडी में या अपनी टीम की आईडी में परचेजिंग करनी है। अब परचेजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले बिल लगाना आना चाहिए। हमें बहुत दिक्कत होती है, मैं ये चीज प्रॉब्लम हर जगह देख रहा हूँ कि लोगों को बिल लगाने में बड़ी आपत आ रही है। ये ना थोड़ा सा ऐसा काम है जो 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन लोग इसको सीखने में बड़ा आलस महसूस करते हैं। मैं आपको तुरंत एक बिल लगा के दिखाता हूं, विद इन मिनटों में आपका बिल सेव कर दूंगा। मैं आपको प्रोडक्ट बताना है क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। 100 एसपी का बिल बनाते हैं, 4 थंडर 4 एग्नोडॉर। ये ऐसा करते हैं, 100 एसपी के बिल में ऐसा बनाते हैं कि 4 थंडर ब्लास्ट डाल देते हैं, 3 इग्नोडॉर डालते हैं, बचे हुए में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डाल देंगे। थोड़ा उससे कुछ नया आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। तो ये आईडी ग्रीन है, तो इस ग्रीन आईडी में एक ऑप्शन अलग से आता है, बाकी सब सेम है। चलो मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू ऑर्डर फॉर्म में। जैसे हम न्यू ऑर्डर फॉर्म में जाते हैं, हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है जिसमें ऑलरेडी कुछ चीजें भरी रहती हैं और कुछ चीजें हमें भरनी होती हैं। ये सब आपने डिटेल भरी हुई है, इसको कुछ नहीं करना हमने। हम नीचे आ जाते हैं। अगर आप दिल्ली से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस एग्जैक्ट सही डालेंगे। जैसे आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो पहली बार एकदम करेक्ट अपने घर का एड्रेस डालते हैं। और अगर आप अपनी लोकल फ्रेंचाइजी से लेते हो, तो यहां पे बस आप कोई भी कीवर्ड्स डाल दो, देहरादून, दून, DUN कर दिया आपने, ठीक है, DDN कर दिया। चलो ये आपको शिपिंग मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, डालना पड़ेगा, क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ है। कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर लो, ये मेरा ही नंबर सेलेक्ट कर दिया। शिपिंग पिन कोड 2623 08 सेलेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये शिपिंग पिन कोड भी डाल दिया। अब यहां पे या मीडियम ऑफ परचेस ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर हम किसी फ्रेंचाइजी से ले रहे हैं तो ऑफलाइन होगा, अगर हम दिल्ली से ले रहे हैं तो ऑनलाइन होगा। तो फ्रेंचाइजी से लेते हैं ऑफलाइन कर देते हैं,
ऑफलाइन करते ही वेबसाइट एक बार रिफ्रेश होगी और इधर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले मेन एडमिन से लोगे, ये इसलिए बोल रहा है मेन एडमिन अब अपडेट हो गया, ठीक है। कैश चेक, कैश कर दिया, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे मेन एडमिन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेन एडमिन से हम ऑफलाइन भी लेके जा सकते हैं, वहां अगर मेन एडमिन है तो यहां से हम सीएनडब सर्च कर देंगे, सीएनडब खाली सीएनडब। तो खाली सीएनडब करते हुए रिफ्रेश मारेगी वेबसाइट और यहां से राजस्थान हटके स्टेट बदलेगा। अब यहां पे हमें स्टेट करना है, हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हम उत्तराखंड डालेंगे, कोई बिहार में होगा तो बिहार डालेगा, कोई पंजाब में होगा तो पंजाब डालेगा, तो हमने उत्तराखंड सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही हम उत्तराखंड सेलेक्ट करते हैं, कंपनी ने इतना आसान कर दिया काम को कि सिर्फ उत्तराखंड के सीएनडब शो करेंगे यहां पे, लेकिन उससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। चलो अगर हम डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये देखो, फिलहाल इन इन जगहों पे हमारी फ्रेंचाइजी है, उस पर देहरादून डाल दिया अगर हमने, तो देहरादून की ही फ्रेंचाइजी दिखाएगा आपको, देहरादून से खटीमा की फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करने का टिपिकल वर्क नहीं होगा यहाँ पे। सिलेक्ट सीएनडब, सीएनडब करते ही आप लोग दोस्तों देखो, दून वैली वेलनेस, जैसवाल वेलनेस और दून एक और करके चार पांच सीएनडब्स हैं। अब आप लोग बताओ आपके आसपास कौन सी फ्रेंचाइजी है, सीएनडब कौन सा है? जैसवाल है। आप जिस भी फ्रेंचाइजी में जाते हो उसका ऑथराइज नेम आपको पता होना चाहिए, समझे, लिखा होगा वो वहां पे। तो जैसवाल सर्च कर दिया, अब जैसवाल सर्च करके हम ऊपर को जाएंगे इधर से, तो यहां पे ये ऑप्शन उन उस आईडी में आएगा जिस आईडी में ऑलरेडी ग्रीन हो चुकी होगी जो आईडी, यानी कि ये रिपर्चेज लग रही है, जो आईडी ग्रीन नहीं होगी, रेड होगी, पहली बार जिसको आप प्रोडक्ट सेव करोगे उसमें ये ऑप्शन नहीं आता। फिलहाल हम समझ लेते हैं दोनों ऑप्शन को। अब मान लो मेरा कमजोर बिजनेस कहां से है, एसजीओ से, तो मैं जो रिपर्चेज कर रहा हूं एसजीओ में कर देता हूं, जिसका कमजोर एसईओ से हुआ वो एसईओ से कर देना। तो कर दिया, अब यहां से सिलेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप, जो हमारे ग्रुप है प्रोडक्ट के क्या क्या है, वेलनेस, ब्यूटी केयर, ठीक है, ओरल केयर, ये सारे। अब मान लो मुझे चार इम्यूनोडॉक लगाने, तो कौन बताएगा इम्यूनोडॉक कौन सा प्रोडक्ट किस किस उसमें ग्रुप में आएगा, वेलनेस कैटेगरी में आएगा, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा सबसे पहले, वेलनेस कैटेगरी में। अब सिर्फ वेलनेस कैटेगरी के ही प्रोडक्ट दिखेंगे आप लोग, अगर आप यहां क्लिक करते हो तो आप वेलनेस कैटेगरी के ही प्रोडक्ट देखोगे। अब इसमें कम क्यों दिखा रहे हैं, इसमें चार पांच प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जबकि वेलनेस में तो 20-25-30 प्रोडक्ट है। ये इसलिए क्योंकि इस फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट है ही नहीं जितना अवेलेबल हो, ठीक है। और कभी कभी आप विंडो वाइज ढूंढते रह जाओगे, मिल नहीं रहा, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई ऑर्डर भी नहीं करता फ्रेंचाइजी वाला, और वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, कंपनी ने बनाना बंद नहीं किया है, इसने बंद कर दिया है, कंपनी बदनाम कर रहे लोग। मेरे पास एक केस ऐसा आया था, ठीक, मेरी टीम का बंदा ढूंढने में लगा था, मैं भी ढूंढा 3-4 बार, तब जाके मुझे क्लिक किया, मैंने कहा ये है नहीं प्रोडक्ट, तो लिवोडॉक सेलेक्ट कर देते हैं चलो यहाँ पे, ठीक। अब लिवोडॉक भी उतने ही सेलेक्ट होंगे जितने उसके पास होंगे, ध्यान रखना, कभी पता चला आपने 8 मार दिए और हो ही नहीं रहे, बोला सर दिख तो रहे लेकिन 8 कन्फर्म नहीं हो रहे, तो आपने चलो 4 कर दिए, ऐड किया, आर यू श्योर, पूछ रहा है, ओके कर दिया, तो ये 1 सेकंड का टाइम लेता है और ये दोबारा बिल बन के नीचे आ जाता है, उसको छोटा करेंगे तो बिल नीचे लगा होगा। देखो वही प्रॉब्लम हो गई गुरुजी, 4 भी नहीं है इसके पास, अब फ्रेंचाइजी खुलवानी पड़ेगी लगता है, ठीक है चलो 1 कर देते हैं, रिस्क नहीं लेंगे 2 का भी, ठीक ओके। ये रुद्रपुर फ्रेंचाइजी की तरह हो रहा है। चलो अब देखो दोस्तों, यहां पे पूरा बिल बन के आ गया, ठीक है। कंपनी अगर 5 SPC से बड़ा प्रोडक्ट आप कहीं भी भेज रहे हो तो उसका शिपिंग कॉस्ट कौन देगा, कंपनी देगी। 5 SPC का कम प्रोडक्ट आप मंगाओगे तो शिपिंग कॉस्ट कौन देगा, कस्टमर। इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट काउंट नहीं होते, सर्फ भी काउंट नहीं होता, कहीं पता चला सर्फ मंगा लो आप अपने घर में 2 SPC का, तो वो आएगा नहीं आपके पास। तो लिवोडॉक का ये कोड नंबर, रेट वगैरह सारा कुछ डिटेल यहाँ पे, एसपी सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मान लो खाली लिवोडॉक सर्च करना है,
थोड़ा इधर को आते हैं हम लोग, यहाँ एचपी दिखाएगा। तो आप देख सकते हो यार ये 8 एचपी का प्रोडक्ट हो गया। अब आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट और सेव करना है तो आप यहां जाके दूसरा प्रोडक्ट जेसीएल आपने दो कर दिए या एलर्जी डॉग कर दिए दो आपने, बड़ा एचपी कौन सा इसमें लिवर डॉग ही सबसे बड़ा है, उसके बाद एलर्जी डॉग उतना ही है उसका में उससे, ठीक है। तो दूसरे में से ले लेते हैं तब तक, दूसरी क्राइटेरिया में से जेसी ऑयल ले लेते हैं दो। अब ये दो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, मान लो गलती से आपने डालना था एक और आपसे दो टाइप हो गए सेव हो गए, तो उस केस में क्या करोगे? ज्यादा टेंशन नहीं लेना, यहीं पे से क्रॉस का मार्क आ रहा है इसका फायदा ले रहे, आपने उसको कट करके रिमूव करके दोबारा से सही चीज सेव कर लेनी है। कई बार आदमी पूरे बिल को सेव करके दोबारा बिल सेव करता है, तो ऐसा नहीं, यहीं से काट सकते हो आप, ठीक है। जेसी ऑयल हो गए दो एसपी, दो क्वांटिटी दो है और एसपी चार मिल गई। अब हमने करना एक ही था, तो यहां से कट करेंगे, ओके करेंगे, ये हट जाएगी पूरी रो और फिर हम एक कर देंगे दोबारा से, ठीक है, और दोबारा से एक करके बिल सेव कर देंगे, हो जाएगा। कितने लोग कर लेंगे बिल सेव? अगली बार सर ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बुलाएंगे मुझे? आप लोग ऐसा करोगे तो प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। रात को पहला सब्जेक्ट हाँ मैं ही कराऊंगा प्रैक्टिस, आप लोगों को चिंता मत करो, मैंने आप लोगों को इज्जत का सवाल है खटी मसे धरा तू ना लोगों में आवाबाजी करते हुए ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। एक को बोल बोल के मैंने ऑर्डर भी ले लिया, बगल में बैठी थी एक लेडी, ठीक है दोस्तों। तो ये तब होगा जब आप लोग कुछ सीखोगे। तो ये 10 एचपी हो गए देखो, तो 10 एचपी की रिपर्चेस करनी होती है, सेव कर देते हैं 100 करेंगे जी इसको। चलो दूसरे एक इसमें एक यहां से, अब देखो मान लो किसी हमारी माताओं बहनों को क्रीम रीम चाहिए, डेली यूज के प्रोडक्ट चलते हैं, होम केयर में चले जाते हैं सबसे पहले, होम केयर में जाते हैं। तो होम केयर में जाने के बाद सारा होम केयर का लिस्ट आ जाएगा। अब वो फ्रेंचाइजी वाला हमारा अगर थोड़ा ठीक हुआ तो पूरे है भाई सब इसके पास, देखो सब मिलेगा इसके पास, ठीक है। आपने ईजीशर्ट लगा दिया, कुछ भी तोशीन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तुलसी बार लगा दिया, नीम तुलसी बार, ब्यूटी क्रीम लगा दिया, ग्लिसरीन बारी लगा दिया आपने, छह तो आप 10 डर लग रहा है ठीक है। देखो सेव हो गए और इसके कितने एचपी आ गए, 12.5 मतलब 2.5 एचपी का ये हुआ, तो ये हो गए। समझ में आ गया जी सर? ओके दोबारा से एक बार मैं यहीं से रीड कर देता हूँ आपको वापस, ठीक है। आप सब लोग ज्यादातर फ्रेंचाइजी से लेने वाले प्रोडक्ट है ना जी, तो हम कहाँ गए पहले ऑर्डर फॉर्म में गए और ऑर्डर फॉर्म में जाकर के जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा ये फॉर्म खुल गया, ठीक हो गया। तो इसमें जो भी आपकी स्टार मार्क वाली जितने भी आपके कॉलम होंगे वो सब आपको भरने होंगे, चाहे आप छोटे भर, ठीक हो गया। अरे बात समझ में आ गई? ओके, तो ये आज की तारीख हो गई, ये नाम हो गया, ये एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। अब यहां पर अगर मेरा शिपिंग एड्रेस, मान लो कि मेरे को ऑनलाइन मंगाना है, शिपिंग एड्रेस मतलब जहां मेरा सामान पहुंचेगा जाना है उसको क्या बोलते हैं? शिपिंग एड्रेस। अगर मेरा ऑनलाइन मैंने सामान मंगाना है कंपनी से और वही एड्रेस जो मेरा प्रोफाइल पर डाला हुआ है, अगर उसी एड्रेस पर मंगाना है तो मैं इस बॉक्स को क्लिक कर दूं, सेम एज प्रोफाइल एड्रेस, तो मेरा पूरा एड्रेस शिपिंग एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। और अगर मेरा एड्रेस कुछ और है तो मैं इसको हटा दूंगा और उसके बाद मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा। ये किस कंडीशन में है? जब हम कंपनी से सामान मंगा रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, अब शिपिंग एड्रेस मान लो कि मेरे को तो यहीं से कलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ है तो इसलिए इसमें कुछ भी भरना पड़ेगा। हमने डीटीएल भर दिया, मोबाइल नंबर, शिपिंग मोबाइल नंबर डाल दिया, राइट, शिपिंग पिन कोड डाल दिया,
और उसके बाद में हमने पेमेंट मोड कैश सेलेक्ट कर दिया, इससे पेमेंट मोड का कोई इशू नहीं है। याद रखना जो स्टार मार्क वाले हैं वो जरूरी है, वो जरूरी है, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, ये अभी ऑलरेडी सेव भी लेना, इसलिए अपडेट होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, हमने सीएनडब से सेलेक्ट कर लिया था ऑलरेडी, समझ में आ गई बात जी। अगर यहाँ पर पहले मेन एडमिन दिखा रहा होगा जी, यहाँ पर पहले मेन एडमिन दिखाएगा, हमने क्या सेलेक्ट करना है, सीएनडब, बोलो सीएनडब, सीएनडब। अब सीएनडब में, सीएनडब के दाहिने कॉलम में क्या आएगा, स्टेट सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कौन से स्टेट से लेना है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट क्या सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करनी है, फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करने के बाद में अगर ग्रीन आईडी होगी तो ये ऑप्शन आएगा, आपको रिपर्चेज कहां से करनी है, समझ गए शोभा मैडम, अभी से नहीं डालना चाहिए आपको, वो लक्ष्मी मैडम अभी से नहीं डालना चाहिए आपको, राइट। और अगर रेड आईडी होगी तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में अब आएगा ऑप्शन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गई बात, तो आपने जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उसी कैटेगरी की आपके यहाँ पर अगले उसमें सारे प्रोडक्ट शो करने शुरू कर देंगे, समझ में आ गया बात, आया ना चा। ओके, तो इस गधे के पास में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट देख लो, यहाँ शो नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है लेजर में स्टॉक होता है ग्राउंड पे नहीं होता है, ग्राउंड पे होता है लेजर में नहीं होता, नहीं होता, ऐसा भी होता है। अब जैसे आ गया सैफ्रॉन जेल आ गया, मान लो मैंने एक चढ़ दिया तो ये ऐड हो जाएगा, समझ में आ गई बात, वन हुआ, हाँ हो गया सर, ठीक हो गया, तो अभी 12.5 एसपी का कितना हो गया, 13.5 एसपी। ऐसे करके जो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा 3536 रुपए, हाँ 3537 रुपए, ठीक है। अगर ये हम दिल्ली से मंगाते, मेन एडमिन जयपुर से मंगाते और उस कंडीशन में अगर हमने 5 एसपी से कम के प्रोडक्ट खरीदे होते तो यहाँ पर शिपिंग चार्ज भी लग जाता, समझ में आ गई बात, और उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर सेव और कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई या कोई प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट हो गया तो उसको हम क्रॉस करके सेव करने से पहले एडिट कर सकते हैं, कर सकते हैं, एक बार सेव अगर हो गया तो फिर हमें उस बिल को डिलीट ही करना पड़ेगा, नया बिल सेव करना पड़ेगा, ऐसा ही ना, वो एडिट हो जाता है, एडिट हो जाता है, अच्छा बिल सेव होने के बाद भी एडिट हो जाता है, बहुत बढ़िया, एक और ऑप्शन है ये, ठीक है, हो गया बिल सेव जी सर, ओटीपी आएगी, ओटीपी आएगा, ऑटो डिटेक्ट हो जाता है ओटीपी, 1 दिसंबर से क्रूजी एक लेटेस्ट मतलब वैसी न्यूज है, कंपनी की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से 1 दिसंबर से ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो वो देखेंगे क्या होता है उसके बाद, ये आपका बिल सेव हो जाएगा, अगले बिल कहाँ देखेंगे, यहाँ जाएंगे ऑर्डर फॉर्म में, वापस ऑर्डर फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर से, दूसरा ऑप्शन क्या है, पेंडिंग ऑर्डर लिख लो, पेंडिंग ऑर्डर बिल दोबारा देखने के लिए, बस याद हो जाएगा आप, अभी भंडारी सर कॉपी चेक करने वाले हैं सभी, तो माय पेंडिंग ऑर्डर 29/11 से 29/11 कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में आपने बिल सेव किया था, ये मोटी मोटी तारीख आपको याद होनी चाहिए, चाहिए, आप एक महीने का भी ले सकते हो, 2 महीने का भी ले सकते हो, अभी किया है तो हमने कुछ बदलाव नहीं करना है, शो कर देना है, शो कर देना, शो करते ही देखो दोस्तों बिल आ गया आपके सामने, यहाँ से आप बिल को देख सकते हो और यहाँ से एडिट कर सकते हो, उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा इधर नीचे से, इधर अभी नहीं आ रहा है,
ठीक है वहीं पे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ से आप बिल नंबर के थ्रू देख सकते हो। इस पे जैसे नीले वाले पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर बिल देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ये सारा बिल जो हमने सेव किया था अभी उसकी डिटेल आ जाएगी। लीवर डॉग एक, जॉइंट पीरियड वाले एक, बाथ बेदा 10 और सरसों जेल एक, टोटल 13 एसपी 13.5 टोटल 13 प्रोडक्ट 13.5 एसपी लगभग ये होगा 3537 रुपए का। समझ में आ गया बात। पॉइंट के बाद अगर 99 हो या 50 से ऊपर हो तो उसको वन काउंट करते हैं। ठीक हो गया बस। अब आगे क्या ऑप्शन? उसके बाद ऑर्डर फॉर्म में ही नीचे चलते हैं। छापे प्रोडक्ट लिस्ट देखो दोस्तों, यहाँ कंपनी ने यहाँ लिस्ट दे रखी है यहाँ पे प्रोडक्ट के रेट। अच्छा अप्रूव ऑर्डर है माय अप्रूव ऑर्डर, उससे ऊपर पहले जो बिल किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर ने बोला बिल लगा दिया, मान लो आपने बिल सेव किया, सेव करने के बाद आपने आईडी दी उसको और बोला ये इतने एसपी का इतने रुपए का बिल लगाया है, और उसने अगर बिल सेव कर दिया कह दिया आपसे, तो आप चुपके से चेक कर लो किया नहीं किया। आपने अपनी आईडी का परचेजिंग रीपर्चेस की है? नहीं सर। जब ग्रीन किया था तभी किया था? ग्रीन कब किया था? आपकी आईडी कब ग्रीन हुई थी? मेरी आईडी तो कौन? 2 महीने पहले 3 महीने पहले नहीं अभी तो पूरा 2 महीने नहीं हुआ एग्जैक्ट डेट आई। ओके कोई बात नहीं है, हम डाल देते हैं यहाँ पर 29 एक ही 29 5 एक हमने 5वें महीने की डेट डाल दी। कब की डाल दी? 5वें महीने की। 5वें महीने की डेट डाल दी कि क्या आपने 29/5/2024 से लेकर के 29/11/2024 तक कोई भी बिल आपने अपने आईडी में सेव किया है, अप्रूव कराया या नहीं कराया? तो किया है। तो ये किया है, देखो 29/10 को 19/10 तारीख को ये 14000 आपका 14600 मैंने आगे सॉरी ये क्रॉस 100 एसपी का आपका 16,430 रुपए का बिल आपका अप्रूव हुआ। क्या क्या प्रोडक्ट थे वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर फ्रेंचाइजी वाला बिल न दे, कई बार प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर चल नहीं रहा कहते हैं, तो आप ये बिल दे, आप अपना बिल यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि हमें बिल चाहिए, तो यहाँ बिल मिलेगा उसका, कैंसिल करते हैं मुझे इसके यहाँ से कैंसिल। ये आपके सामने बिल है, और दोस्तों बिल के साथ अगर आप जाओगे ना सामने वाले को या सामने वाले के मोबाइल में व्हाट्सएप कर दोगे ना बिल, उसका फेथ जुड़ जाता है आपसे, ठीक है, आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी उससे, ठीक है। नहीं तो बंदे के मन में शंका चलती है, इसने लिए जाते पैसे हैं, ये मुझे ठग रहा है, जिंदगी भर सोचेगा वो। और एक बार आप दिखा दो उसको जीएसटी इतना 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 कंपनी ने काटा है, ये इतना पैसा गया है, वो बंदा आप पे विश्वास करेगा। उसकी आईडी में जाकर के माई अप्रूव्ड ऑर्डर में बिल मिलेगा। माई अप्रूव्ड ऑर्डर में बिल मिलेगा, लिखो अप्रूव किया हुआ बिल माई अप्रूव ऑर्डर में मिलेगा। मास्क पैक करने इसलिए कह रहा हूं ना, प्रिंटर लगाओ तो प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां से उसको क्या करो व्हाट्सएप पर डाउनलोड करो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भेज दो। समझ में आ गया ऑर्डर का? जी सर। क्या क्या होता है? न्यू ऑर्डर फॉर्म में प्रोडक्ट सेलेक्ट होंगे, पेंडिंग ऑर्डर मैंने जो बिल सेव किया था वो अभी तक ग्रीन हुआ या नहीं हुआ, सॉरी उसका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, वो यहाँ से अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है, ऑर्डर गलत सेलेक्ट करके हो गए हैं, तो यहाँ से देख करके आप उसे डिलीट करके दूसरा बिल सेव कर सकते हो। माई अप्रूव्ड ऑर्डर में क्या आएगा कि जो बिल आपका अप्रूव हुआ है वो यहाँ से आएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में आपको वो चीजें मिलेंगी जैसे आप लोग परेशान हो जाते हो इस प्रोडक्ट का कितना एसपी है क्या एसपी है, यहाँ एक लिस्ट मिलती है, आप इसे चाहो प्रिंट आउट करा लो, आप इसे चाहो अपना डीपीएसपी ये सब मिल जाता है इसमें, आपका प्रोडक्ट कोड वगैरह है और डीपीएस मतलब आईडी के अंदर ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि कौन सा कितने रुपए का प्रोडक्ट है वो मिल जाता है लिस्ट। प्रोडक्टों का रेट जानने के लिए प्रोडक्टों का एसपी जानने के लिए अपलाइन की आवश्यकता नहीं है, आपकी आईडी में ही
आपकी आईडी में और उसमें जाओ ऑर्डर फॉर्म में माई और सबसे नीचे क्या आएगा प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसकी क्या कर लो, सबसे बढ़िया काम होता है अपनी डायरी में इनका नाम लिखो, डीपी लिखो, एसपी लिखो, रिपर्चेज एसपी में भी सेम ही चीज। समझ में आ गई बात सर? आज कौन कौन लिख के दिखाएगा फिर? ये आसान है, प्रोडक्टों की लिस्ट कैसे बनानी है कैटेगरी वाइज, वेलनेस के प्रोडक्ट की लिस्ट अलग, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की लिस्ट अलग, ब्यूटी केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, आपके सारे प्रोडक्टों की लिस्ट अलग, फूड सप्लीमेंट की लिस्ट अलग, ताकि आपको ढूंढने में आसानी ना हो, ये डायरी में बनाना पड़ता है। ठीक हो गया? फिर कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का है आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये डाउनलोड करके प्रिंट लगा करके आप लोग अपने घर में दीवारों में चिपका सकते हो, या फिर उसका उसको प्रिंट को अपनी डायरी में चिपका सकते हो, ये भी कर सकते हो। ओके ठीक है दोस्तों, और आज शाम को क्या करेंगे हम लोग, इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, झट मंगनी पट ब्याह कर लेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आती है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन चलो छोड़ देते हैं इसको, एक लेना आप लोग को देखना, ग्रेवेंस छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमने जाना ही नहीं है। चेंज पासवर्ड करने में दिक्कत आती है कई बार, क्या होता है हमने आईडी लग गई और हमने डिस्ट्रीब्यूटर को आईडी और पासवर्ड भेज दिया, हम भी भूल गए और हम फिर घूमते रहते हैं, और कंपनी का रेगुलर नियम है कंपनी जिस मोबाइल नंबर से आईडी बनी होगी उसके अलावा किसी को भी पासवर्ड नहीं देती है। तो अगर किसी को भी पासवर्ड नहीं देती है तो इसका मतलब आपके अपलाइन को भी नहीं देगी, तो अपलाइन से लड़ना मत कि पासवर्ड दे करके, आपको ही वहां पे पासवर्ड का सोल्यूशन निकालना है। तो आपको तुरंत आईडी लगाने के बाद क्या करना है, उस आईडी को लॉग इन करके पासवर्ड बदल देना है जो आपकी टीम में लगता है। मान लो मैम का पासवर्ड क्या था बताओ मैम? 2008 ये वो पासवर्ड है जो कंपनी से आया हुआ है, जबकि ये पासवर्ड अब काम ही नहीं करेगा, चार डिजिट का, अब पांच डिजिट का पासवर्ड काम करेगा, चार डिजिट का लगना ही बंद हो गया। एट द रेट लगा के मैं डाल देता हूं 2020, ये अपडेट है चीजें, अब पांच डिजिट का पासवर्ड काम करता है। अगर आपको बदलना है तो आपको पांच डिजिट चुनने पड़ेंगे, एक बार चार का करके देख लेते हैं गुरु। चलो छोड़ दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पांच डिजिट का पासवर्ड, चार का एक बार डाल के देखते हैं। हाँ डाल के देखते हैं। 2025 करते हैं। मिनिमम फाइव। ठीक है, तो मिनिमम फाइव डिजिट चाहिए, आप अपना पासवर्ड लिखो। तो आपने लिख दिया यहाँ पे नाम @ वो नहीं लेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए साथ में। अच्छा, तो स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। हाँ बताओ जी मैडम, क्या लगा पासवर्ड आपका? पहले आप बनाओ, फिर मैं चेंज कर दूँगी। चलो ये क्या मैं बताता हूँ, रस्पी डेट ऑफ बर्थ, पहले तारीख बताओ। ओके वन इसे बोल सकते हैं। कितना? वन जीरो वन। एट से ज्यादा हो गया। रश्मि @ 1। हाँ ठीक है, ऐसा पासवर्ड रखेंगे तो अपलाइन खोल नहीं पाएगा गुरु जी कभी इनका आईडी। हो गया, योर पासवर्ड सेव। ठीक है, याद रखना जी सर। टीम वाइज दोस्तों एक बात समझना कि अपने अपने लीडर के हिसाब से पासवर्ड रखे जाते हैं। मेरे मेंटोर जो रॉयल डायमंड है उनके दिशा निर्देश से मेरी टीम में सारे पासवर्ड वही रहते हैं, उनको पता है, तो हमें अपनी मर्जी से पासवर्ड को मॉडिफाई नहीं करना, नहीं तो भंडारी सर आप लोग की आईडी कभी देख ही नहीं पाएंगे और हो गया बेड़ा मेरा। फिर ये पासवर्ड है, ये आईडी है, एबीडी डब्ल्यू ना, ये तो मेरी है। बताओ आईडी, बताओ अपनी पहले मेरा आईडी है, वो लॉग आउट हो गया ना पासवर्ड चेंज करने के बाद। 1A आइए सर, ये आ गया। 8 2
अब मैंने आपका नया पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया, जैसे हमने पासवर्ड एडिट किया तो उसके बाद वो लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग अपना अपना पासवर्ड अपने अप्लायंस के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, ठीक है? और ये देखो हमारा नया बोनांजा आ गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंपनी अचीवर्स ये एक लिस्ट है जहां से हम देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पब्लिक नोट में एक बात बतानी है, टाइम्स ऑफ इंडिया और दो चीजें हैं नीचे, यहां से नीचे करके आएगा। देखो ये दो टाइम्स ऑफ इंडिया और एक जगह है ना, और नीचे छठे नंबर का देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये वाला। जनरली एक सवाल आ रहा, कल भी मैं वो आ रहा था कि आप लोगों के पास भी आएगा, बताऊं क्या उसे? लोग आपसे जब AWPL के प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो उनको वो अमेज़न पे भी दिखाई देंगे। आज अमेज़न पे क्या नहीं है? एडिडास का एडिडास भी तो है, नाइकी का निकी भी तो है, सब कुछ है अमेज़न पे, तो असली भी है और नकली भी है नहीं जी। तो सामने वाला कहेगा सर डिस्ट्रीब्यूट, आप कहते हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, फिर ये ऑनलाइन कंपनी बेच रही है, तो उनको समझाने के लिए आपने ये आर्टिकल दिखाना पड़ेगा। ये आपको आपकी आईडी के अंदर ही मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये कहां मिलता है। ये सिक्स वाला लाइन पढ़ के आप देखोगे ना, तो इसमें कंपनी ने सीधा बता रखा है कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड से काम करते हैं, और किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। और ये चीज डब्बे के पीछे भी लिखा हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट को उठाना नीचे रेड ब्रैकेट में ये पूरा पूरा मेंशन किया है। तो सामने वाले को समझाने के लिए आपके पास एट ए टाइम पे जवाब होगा, ठीक है? मैं उससे जीतने या बहस करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास जवाब होगा तो आप उसे संतुष्ट कर पाओगे, ठीक है ना? बाकी इस बारे में ज्यादा बहस किसी से हमने करनी नहीं है, नहीं तो आदमी तो बाल की खाल खींचते रहेंगे, ठीक है? चलो ये चीज आप पक्का याद करना कि आपकी आईडी के अंदर ही आपको मिल जाता है, कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये द टाइम ऑफ इंडिया में इसलिए डाला गया है कि आपको पता है अगर किसी भी कंपनी को या किसी पर्सनल व्यक्ति को कोई चीज अनाउंस करनी होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं आर्टिकल में छपवाना पड़ता है। जैसे कि मैं देहरादून आया, मेरा नाम बदलना था, गिरीश चंद रजवार से गिरीश चंद होना था, तो मेरे को पासपोर्ट ऑफिस में ये कहा गया था कि किसी न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करवाओ ताकि वो एज अ विटनेस के तौर पे इस्तेमाल हो। तो ये एज अ जो न्यूज़पेपर में हम पब्लिश करवाते हैं एक लीगल प्रूफ रहता है हमारे पास, ठीक है? उसके बाद आता है दोस्तों लॉग आउट, यहां से हमारा ऑफिस टाइम आउट। तो हम सबसे शक्तिशाली लोग हैं जो अपनी मर्जी से लॉग इन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने ऑफिस को अपने कैबिन को लॉग आउट कर सकते हैं।